अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा गुलाब है जो हमें अक्टूबर के लास्ट तक इसको प्रूनिंग कर देना चाहिए, लेकिन हमने हमारी प्रूनिंग लेट हो गई। इसके अलावा भी हमारा एक मसला था कि हमारा पॉट छोटा था और हमें इसको बड़े पॉट में करना था, तो हमने इसको छोटे पॉट से बड़े पॉट में कर दिया और इसके अंदर हमने काउडंग, नीम खली, पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब जो हमारे पास अवेलेबल था वो हमने इसमें डाल दिया और इसका पॉट बड़ा कर दिया। लेकिन अब एक मसला और है कि हमें इसकी प्रूनिंग करना है, तो हम प्रूनिंग किस तरह से करें, ये एक बहुत टिपिकल मामला है। गुलाब बहुत केयर मांगता है और समझदारी मांगता है, और हम हैं एक हाउस वाइफ और हम हैं एक आम गार्डनर, इसलिए हम इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। और इसका हमने बड़े पॉट में तो कर ही दिया है, ये हमारा क्लाइंबर गुलाब है। देसी गुलाब में तो हम जड़ के पास से सबकी कटिंग कर देते हैं और वो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा देखभाल की कटिंग करना पड़ेगी। तो जनाब ये है हमारा टूल, और हम इस टूल के ज़रिए, हमारा नया टूल है और ये इसकी धार भी अच्छी खासी तेज़ है, और हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। अब हम इसमें सिर्फ प्रूनिंग पतली टहनियों की करेंगे जो कि पेंसिल से पतली हैं, जो पेंसिल के बराबर थिक है उनकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, और जो ख़राब हो गई हैं टहनियाँ, जिनमें डाई बैक हो रहा है उनको भी कट कर देंगे, जो खुश्क हो गई हैं। लेकिन हमारे प्लांट में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा प्लांट पूरी तरह से हेल्दी है और अच्छा है, तो हम इसके लिए प्रूनिंग करेंगे सिर्फ पतली टहनियों की। और हमारी पतली टहनियाँ हैं ये, जिसमें हम न्यू ग्रोथ छोड़ के और करेंगे, और थोड़ा सा इसको कटर को आड़ा कर तिरछा करके करेंगे ताकि हमारी कटिंग जो है वो तिरछी आए, और अगर पानी पड़े इसके ऊपर, कटिंग के ऊपर, तो डाई बैक वाली समस्या ना हो। ये है हमारी पतली टहनी। ये है हमारी पतली टहनी जिसमें से हम थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा छोड़ के, और फिर हम इसको काटेंगे। और ये है, और ये है, और ये है न्यू ग्रोथ के पास, थोड़ा सा तिरछा करके काटेंगे, और हम इसके पत्ते भी साथ साथ काटेंगे क्योंकि प्रूनिंग के टाइम पे हमें इसके पत्ते काट देना है। तो आप देख रहे हैं मैं इसके पत्ते काट रही हूँ, इसके साथ साथ मैं पतली टहनियाँ भी काट रही हूँ। जो उलझी हुई ब्रांचेस हैं वो भी काट देंगे। ये वाली डाली न्यू ग्रोथ की है, इसको भी, ये पेंसिल से पतली है इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोड़ के तिरछा काट देंगे, और ये पत्ते साथ साथ हटाते जाएंगे। मतलब हम इस पेड़ की इतनी प्रूनिंग करेंगे कि मोटी डाली छोड़ के और पतली डालियों को काट देंगे। और इसके साथ साथ हम पत्तों को भी हटाते जाएंगे क्योंकि पत्ते हमें प्रूनिंग के टाइम में हटा देना है। इसका मकसद ये होता है कि अगर इंसेक्ट हों तो वो बिल्कुल फ्री हो जाए डाली।
इसकी सॉइल को भी बिल्कुल क्लीन कर देंगे, जैसे ये यहाँ पर खाद वो वीड्स निकल रही है इसको भी हम कर देंगे। हालांकि हमने 8-10 दिन पहले ही इसकी मिट्टी को सब बदला है, लेकिन फिर भी फिर आ गई हैं। तो जनाब ये हमने इसकी प्रूनिंग कंप्लीट कर ली है और ये इसी तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग होगी और इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं होगी। और आप इसमें ये हमारा साफ पेस्टिसाइड है, इसको घोल के आप इसको पर स्प्रे करें और ताकि ये इंसेक्ट फ्री हो जाए। ये सारे पत्ते हम हटा देंगे।